तो दोस्तों रिपोर्ट्स ऐसी आ रही कि अगले एक महीने तक थिएटर्स वाले छापने वाले हैं करा रहे नोट। कुछ थिएटर्स को तो टाइम भी नहीं मिलने वाला उन नोटों को गिनने के लिए। सो आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया या फिर नहीं? जी हाँ, इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों देखो, जिंदगी में कुछ ही चीजें जो कि हमारे को थोड़ी बहुत शांति देती है, प्लस उसी के साथ थोड़े बहुत मजे भी करवा देती है, उन्हीं सब चीजों में से एक है सिनेमा, जिसमें हमारे को थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टमेंट जरूर कर देनी चाहिए। सो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ जुमान मूवी की, जिसमें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट तो जरूर करनी चाहिए। ये एक ऐसी मूवी जो कि हमारे को बहुत सालों में एक बार देखने को मिलती है, तो आप लोग इस मूवी को देख के अपने लिए थोड़ी बहुत शांति तो जरूर खरीद ही लोगे। तो आज मैं आप लोगों को तीन ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप लोगों को इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। पॉइंट नंबर 1 है बॉलीवुड मूवी के अंदर साउथ का मसाला। सो दोस्तों बहुत सारे लोगों का सपना था कि बॉलीवुड स्टार्स भी काम करे साउथ इंडस्ट्री में, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मैं भी बहुत टाइम से चाहता था कि अपने बॉलीवुड स्टार्स काम करे साउथ इंडस्ट्री में, तो बस वही सपना पूरा हो चुका है इस मूवी से, जिसका नाम है जवान। ये मूवी बिल्कुल डोसा की तरह, जिसकी परत तो चढ़ी हुई बॉलीवुड की, पर अंदर हमारे को पूरा मसाला देखने को मिल रहा है साउथ का, जो कि भर भर के डाला इस मूवी के मेकर्स ने। प्लस उसकी पैकिंग भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब की गई है, जिसमें इटली ने शाहरुख खान सर को ऐसे दिखाया जैसे कोई और डायरेक्टर आज तक नहीं दिखा पाया। रोहित शेट्टी सर ने ट्राई किया था चेन्नई एक्सप्रेस में, पर उस मूवी का जोर ना लगता। वो एक कॉमेडी मूवी थी, जिसकी वजह से वो मूवी ऐसा काम नहीं कर पाई जैसा ये मूवी कर रही है। मुझे ये लगता कि जैसा काम इटली ने किया शायद बॉलीवुड का कोई भी डायरेक्टर वैसा काम नहीं कर सकता। फिर अनिरुद्ध ने जैसा म्यूजिक शाहरुख खान सर के लिए बनाया है, ऐसा लगता कि बहुत ही ज्यादा दिल से बनाया हो। इस म्यूजिक को सुन के ऐसा लगता कि अनिरुद्ध बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे शाहरुख खान के साथ काम करने के लिए, जिसका उनको मौका भी मिला और उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा करके भी दिखाया है। सो इन सब चीजों की वजह से लगता है कि मूवी को प्रोड्यूस तो जरूर बॉलीवुड कर रहा है, पर ये मूवी टोटली साउथ की है। पॉइंट नंबर 2 है मूवी ऑफ द डिकेड। कुछ मूवीज होती हैं जिनको हम मूवी ऑफ द डिकेड बोलते हैं, जिसमें से ये मूवी एक है। ऐसा कुछ हमारे को कोई मूवी के बारे में सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा कम मिलता है, सो अभी वो मौका मिला जिसे आप लोगों को एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। फिर किसी साउथ के डायरेक्टर के अंदर बॉलीवुड स्टार ने काम किया हो, ये भी मूवी को क्रेजी बना देती है। ये अभी नया ट्रेंड है जिसको हर किसी को तो एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, जिसके बाद ये बिल्कुल बोरिंग सा लगने लग जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में आप लोगों को देखने को मिलेगा कैसे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर भागते हुए दिखाई देंगे साउथ मूवीज के डायरेक्टर्स के पीछे, जहाँ पे आप लोगों को देखना कुछ ही महीनों में आप लोगों को नए नए अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएंगे। सो अभी ये ट्रेंडिंग में, जिसका आप लोगों को फायदा जरूर उठाना चाहिए। फिर शाहरुख खान का हमारे को डबल रोल देखने को मिला, जहाँ पे वो एक बाप और एक बेटे का रोल निभा रहे हैं। ऐसा कुछ भी हमारे को बहुत सालों बाद देखने को मिलता है, जिसमें से कुछ मूवी तो काम कर जाती है और कुछ का तो पता भी नहीं चलता। फिर आखिरी चीज, हमारे को साउथ के बेहतरीन बेहतरीन एक्टर्स प्लस बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स एक साथ सेम स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं, वो भी एक दो नहीं बहुत सारे एक साथ हमारे को काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये फिर दोबारा कब होगा ये भी हमारे को मालूम नहीं है। सो यही वजह जिसकी वजह से ये मूवी ऑफ द डिकेड बन गई है। पॉइंट नंबर 3 है बेस्ट आंसर फॉर इंडियन सिनेमा हिटर। सो दोस्तों जिन लोगों की कंप्लेंट्स रहती है हॉलीवुड वाले अच्छे एक्शन मूवीज बनाते हैं, हॉलीवुड वाले अच्छे सिनेमाटोग्राफी और VFX करते हैं, उन लोगों की सारी कंप्लेंट्स ये मूवी एक झटके में दूर कर देगी। हमारे को इस मूवी में बाप लेवल का एक्शन देखने को मिल रहा है, सिनेमाटोग्राफी और VFX की तो आप लोग बात ही छोड़ दो। हमारे को पहले ही से पता था कि रेड चिलीज इस मूवी को प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी वजह से हमारे को बहुत ही ज्यादा अच्छा सिनेमाटोग्राफी प्लस बहुत ही ज्यादा अच्छा VFX देखने को मिलेगा, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे को देखने को मिला था जीरो मूवी में। वैसे कुछ इन्होंने फिर से करके दिखाया, जिसने दिल खुश कर दिया है। बहुत सारे VFX स्टूडियोज को सीखना चाहिए कैसे रेड चिलीज काम करती है, खास करके उस स्टूडियो को जिसने आदि पुरुष को VFX और सिनेमाटोग्राफी की थी। इस मूवी का हर सीन हर सॉन्ग इतना बेहतरीन बनाया गया, जिसे देख के आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। सो यही वजह जिसकी वजह से ये मूवी मस्ट वॉच बन जाती है। अगर आप लोग मूवी वगैरह देखना नहीं पसंद करते, तब भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग इस मूवी को जरूर चेकआउट कीजिएगा। मूवी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिसमें आप लोगों को पैसे और टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं जाएंगे। तो आप लोग इस मूवी को जरूर देखने जाइएगा। अगर देख ली तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसी लगी आप लोगों को ये मूवी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जिसे फिल्मी कीड़ा है। कुछ कहना हो कुछ बताना हो मिल जाऊंगा सोशल मीडिया पे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।